हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। भारत के इतिहास की सीरीज में आपका स्वागत है, जो कि अगला वीडियो है, 10वां वीडियो, जिसको जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि MBBS, CGL और अन्य सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें, जिसमें कि अगले में 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। और इसके लिए आप मेरा चैनल लगातार आप इस तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जो कि आपको रेगुलर अपडेशन देता रहेगा। और हर रोज मेरे ये वीडियोस एक अपलोड होता है, जिसमें कि इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन मैं कवर करता हूँ। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, ये 10 क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि अन्य स्टूडेंट भी मेरे इस वीडियोज़ को देख कर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर पाएँ। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 10वां वीडियो, जो कि भारत के इतिहास पर आधारित है, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के बारे में, जिसमें कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सीधे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मेरा रेफरल कोड लगाएं और प्लस की यूजर्स बनके आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। अभी बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है अनअकैडमी पर, जिसमें कि आपको 15% स्पेशल डिस्काउंट और 10% रेफरल कोड डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा, जो कि 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के नवंबर तक ये वैलिड है। जो कि अभी हाल में जो प्राइस था वो 16,000 था, डाउन करके 13,600 हुआ, 15% का ड्रॉप। और रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको सीधा जो कोस्ट पड़ेगा वो 12,240 रुपये में पड़ेगा, जो कि फाइनल प्राइज है। तो ये मौका आपको वहाँ से नहीं जाने देना चाहिए, जिसमें कि आपको सीधा 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि वैलिड है 30 नवंबर तक ये ऑफर चल रहा है। तो तुरंत ही आप अनअकैडमी के इस स्पेशल प्राइज का फायदा उठाएं और सब्सक्राइब करें 24 महीने का प्लान। अनअकैडमी में फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलता है, वहीं प्लस में आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, PDF नोट्स, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, MBBS प्रीलिम्स और मेंस की पूरी प्रिपरेशन और 2000 से अधिक क्वेश्चन यहाँ पे आपको कवर किए जाते हैं। अनअकैडमी में पढ़ने के फायदे क्या है यहाँ पर ये समझ लेते हैं। लर्न फ्रॉम द फेवरेट टीचर, स्ट्रक्चर लर्निंग होती है डिफरेंट बैच को डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस लाइव क्लास में, इंटरेक्शन पोल कमेंट्स क्विज के द्वारा, एक ही सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस सभी एडुकेटर्स का, सिंगल कैटेगरी में वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और PDF भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी में स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, जो कि MPPSC प्रीलिम्स की फ्री मॉक पास होती है, जो कि हर संडे मिलता है सुबह 10 बजे और रात में 8 बजे, जिसमें कि 50% और 25% की स्कॉलरशिप आपको दी जाती है। अनअकैडमी पर गुरु मार्गदर्शन, सब्जेक्ट वाइज फ्री MPPSC मॉक टेस्ट सीरीज जो चल रही है, जो कि 24 तारीख, 26 तारीख और 29 नवंबर को ये कंडक्ट की जा रही है, जिसमें कि कंप्लीट MPPSC प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें कि फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक को यहाँ पर अमेजन के गिफ्ट कार्ड यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसमें ज्वाइन करके आप इस सीरीज से ये प्राइजेज जीत सकते हैं। अनअकैडमी पर डेली T20 टेस्ट सीरीज, जो कि हर रोज 8 बजे आपको, और इसका एनालिसिस 8:30 बजे मिलता है, जो कि 20 करंट अफेयर्स का 20 मिनट्स का यहाँ पर एनालिसिस होता है, जिसमें कि फर्स्ट 10 रैंक होल्डर को 25% की स्कॉलरशिप और सेकेंड 2 साल की सब्सक्रिप्शन पर यहाँ पर ये स्कॉलरशिप मिली जाएगी। MPG के ब्रह्मास्त्र का फ्री रिविजन टेस्ट वीकली चलता है यहाँ पर हर थर्सडे। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का फुल लेंथ कोर्स, जो कि फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है, जो कि हर रोज सुबह इवनिंग में 7 बजे आपको मिलता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये स्टेनोग्राफर का प्लस का कोर्स अभी स्टार्ट होने हुआ है, जो कि आज ही 26 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। Grade 2 और 3 और असिस्टेंट Grade 3 के बैच कोर्स है, तो इसमें आपको प्लस में सब्सक्रिप्शन लेना है और उसमें आप एक्सेस कर पाएंगे रेफरल कोड लगाकर, आप 10% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिलेगा, जो कि है हरदयाल कुशवाहा। 8 मंथ का फाउंडेशन बैच कोर्स 30 नवंबर से इंग्लिश मीडियम का स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर MPPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए। अगला बैच कोर्स 8 मंथ का फाउंडेशन बोर्ड बैच कोर्स, जो कि MPPSC प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। अगला बैच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक और स्टार्ट हो रहा है स्टेनोग्राफर Grade 2, 3 और असिस्टेंट Grade 3 बैच का, जो कि 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी विद्यार्थी इसको ज्वाइन होकर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। नवंबर के सारे बैचों का आपको एक्सेस मिलेगा अगर आप प्लस की यूजर्स बनते हैं तो, और दिसंबर के सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा, जो कि दिसंबर में स्टार्ट किए जाएंगे। अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन डिफरेंट प्लान के होते हैं यहाँ पर, जो कि हैं 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने। तो आपको किसी भी एक प्लान को चूज करते हुए रेफरल कोड लगाना है हरदयाल कुशवाहा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा और प्लस की यूजर्स आप बनेंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें MPPSC व्यापम्स के एग्जाम्स के लिए और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं।
मेरा रेफरल कोड लगाना ना भूलेगा, जिससे कि आपको सीधे 10% का डिस्काउंट मिलेगा और प्लस क्यूज बन के आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो लेट्स, पहला क्वेश्चन आ गया आपका भारत के इतिहास का। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? मार्च 1942, अगस्त 1942, सितंबर 1942 या फिर जनवरी 1942 में। तो इसका जो सही विकल्प है वो बी विकल्प बिल्कुल सही है, अगस्त 1942 में। 9 अगस्त, ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और ये जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी बम्बई से। उस समय मुंबई का जो नाम था वो बम्बई था, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? ब्लैक होल से, राणा दुर्गावती की लड़ाई से, 1857 के संग्राम से या फिर जलियांवाला बाग कांड से। तो इसका सही विकल्प है जलियांवाला बाग कांड, जो कि अप्रैल 1919 में हुआ था, 7 अप्रैल को ये जो घटना घटी थी। उसमें जनरल डायर ने भरी सभा में जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई थी, जिससे कि कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया? ए, मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन के लिए मांग स्वीकार की गई, या फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का स्थायी विलय हो गया, कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए विकल्प सही होगा, मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली गई। तो ये सही विकल्प है इसका ए। अगला क्वेश्चन हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही विकल्प है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर छह, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915, 1817, 1916 या फिर 1918 में। तो इसका जो सही विकल्प है वह है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे थे। देन उसके बाद में 1917 में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था, जो था चंपारण। चंपारण का जो सत्याग्रह जो कि बिहार में हुआ था, वो सबसे पहला सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने, जो कि नील आंदोलन के विरुद्ध था। नील आंदोलन के लिए किया था, नील को जिस तरीके से खेती होती थी उससे किसान परेशान थे, तो किसानों का आंदोलन था ये चंपारण आंदोलन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में जब क्रिस्प शिष्टमंडल आया था उस समय भारत की वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनेथगो, लॉर्ड बेवल या फिर लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका जो सही विकल्प है वह है लॉर्ड लिनेथगो उस समय वायसराय आया था जब क्रिस्प मिशन शिष्टमंडल जो कि भारत आया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। लॉर्ड मिंटो एक, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा यह हमें बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी। दो विकल्प इसके सही हैं। जब भारत में साइमन कमीशन आयोग आया था उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन के समय लॉर्ड इरविन जो वायसराय थे, और भारत सरकार अधिनियम 1919 माउंटिंग चाउंसफर्ट के सुधार के सुधार के नाम से जाना जाता है। ये दोनों विकल्प इसके सही हैं, पहला वाला विकल्प गलत है, क्योंकि पहले में जो लिखा हुआ है लॉर्ड मिंटन वायसराय के समय की अवधि के समय बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, नहीं, ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। कर्जन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला और दूसरा, दोनों कथनों में से कौन से कथन आपके सही होंगे ये आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है दोनों ही कथन इसके सही हैं। मार्च 1947 में लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया गवर्नर जनरल के रूप में भेजा गया था, और जुलाई 1947 में ब्रिटिश सरकार के मुख्य प्रावधानों वाला माउंटबेटन योजना के अधिनियम के द्वारा पारित किया गया। तो इसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से इसको जानते हैं, यानी कि दोनों विकल्प इसके सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां, और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है।
इसमें पूछा है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, क्यों किया गया था? ए बंगाल के विभाजन के विरोध के रूप में, या फिर बी भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को आर्थिक दिशा की दृष्टि सुधार की दृष्टि से जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, या फिर भारत में एक जिम्मेदार सरकार ना बना सकने के लिए ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में ये स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, और इसमें जो विदेशी कपड़े थे वो उसका पूरा तरीके से बहिष्कार किया गया था, यानी कि विदेशी जितना भी माल था ठीक है ना, उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया था, जो कि बंगाल विभाजन का विरोध जताया गया था। तो ये थे 10 प्रश्न जो कि मैं आपके सामने भारत के इतिहास के लेके आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरीके के प्रश्न को देखने के लिए भारत के इतिहास के लगातार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।